बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब भाई खैर खेस होंगे। ये व्लॉग का आगाज़ कर रहे हैं तो आज हम अपने देखने वाले बहन भाइयों का सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने कल हमारी वीडियो पे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखे। तकरीबन बहुत अच्छे के बाद इतने ज़्यादा कमेंट्स आए तो पढ़ के बहुत अच्छा लगा। तो जी आपको बहुत बहुत थैंक्स। तो इसी के साथ जो है व्लॉग का आगाज़ करते हैं। जो बहन भाई नए हैं वो बेल का बटन प्रेस करें, वो भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स लिखें। जो बहन भाई हमारे मतलब नहीं जानते वो भी हमसे जो है ना सवाल जवाब जो भी हैं वो हमें पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ व्लॉग का आगाज़ कर रहे हैं तो बेल का बटन ज़रूर प्रेस करना। आज जो मैं अपनी वीडियो में बताने लगा हूँ, शुरू में ही ये बताऊँ कि आज हम अपनी यानी मेरी रिश्ते में बाजी लगती है, खाला की बेटी जो है, तो हम उसके घर जो है ना वो जा रहे हैं। तो वहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने बहन भाइयों से हम शेयर करेंगे। तो वो हमारे घर स्पेशल आई थी, उसने कहा कि आप इस तरह करें कि हमारे घर का भी व्लॉग बनाएं और अपने बहन भाइयों से शेयर करें। तो जी ज़रूर देखिएगा, ज़रूर जो है ना लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, तो हमें ढेरों प्यार देना। तो जी चलते हैं, आप तो हमारे साथ रहिएगा, शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखना। हाँ जी तैयार हो गए हो? माशाल्लाह जो है काम घर का इतना ज्यादा काम होता है कि अगर सारा दिन भी बंदा लगा रहे तो काम खत्म नहीं होता। तेरे ये बिस्तर ना इकट्ठे करने वाले, मैंने सोचा कि अगर ने ना सारे बिस्तर मतलब तय लगा के रख दिए हैं, क्योंकि मैंने सुबह से दवाई खा के थोड़ी देर मैं लेटी हूँ, सोई हूँ थोड़ी देर, फिर उठ यानी रेस्ट किया है आपने, मिस्त्री भाइयों को चाय दी है, तो फिर मैंने सोचा कि मेरा कैसे सूट रहते हैं वो देखूँ तो सिलाई होते हैं नहीं नज़र आता है। अच्छा, मैंने एक उसकी ने शलवार की कटिंग की है, थोड़ी सी सिलाई की है तो वो भी रखी है। अच्छा मुझे ना आया कि इतनी याद आ रही थी, मैंने अभी अभी कॉल मिलाई है तो मतलब ना चाचू जी ने फ़ोन उठाया है, कह रहा था कि उसकी दादो आई हुई, उसका चाचू आया, वो बहुत मसरूफ है, उसे उसका ना अभी बात करने का टाइम नहीं है। मैंने कहा चलिए थोड़ी देर ना आया से बात करती हूँ, तो फिर ना चाची ने कहा, मैंने कहा चले ठीक है, फिर इसकी भाई दादो आई हुई है तो दादो आज गपशप कर ले तो मैं शाम को कॉल करूँगी। तो मुझे इतनी प्यारी लगी है, मेरा दिल करता है उसकी एक रेड फ्रॉक हो, उसकी एक येलो हो, उसकी ब्लैक पिंक, इस तरह की ना उसकी हर कलर की फ्रॉकें हों प्यारी प्यारी छोटी छोटी, तो दिन में तीन तीन सूट उसके ना चेंज करें। तो मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही नहीं तो उसकी ना हर कलर की एक छोटी छोटी फ्रॉक बनाऊँ। तो इतनी प्यारी सी गुड़िया है अदन मेरी छोटी, जब थी ना इस तरह थी बिल्कुल पतली सी, तो छोटी सी तो ना कमज़ोर सी, इस तरह की है वो भी। तो चलें अब एक दो दफ़ा साथ ही बाजी का घर है, अनाया की बहुत सारी बातें मैंने कर ली हैं क्योंकि फुफो हूँ तो खुशी तो होगी ना। तो बाजी कह रही थी कि मैंने काफ़ी सारी ना चीज़ें बनाई हैं, माशाल्लाह बाजी की चार पांच बच्चियाँ हैं तो उनकी शादी के लिए ना मतलब जिलेज की चीज़ें आप देखने भी नहीं आई, तो मैंने कहा मेरा टाइम ही नहीं लगता, तो मैंने सोचा चले आज चलती हूँ, ज्ञान भी सोया हुआ तो अदन को मैंने पास बिठा दिया, मार को भी दोनों बहन भाई ज्ञान के पास बैठेंगे, मैं जा रही हूँ देखने, खुद भी देखूँगी और अपने जगने वाली बहन भाई को भी दिखाऊँगी कि हमारे यहाँ गाँव में किस तरह बेटियों का जहेज बनाते हैं, किस तरह माँ मतलब जो माँ होती है किस तरह, जब बेटी कहते हैं ना पैदा होती है तो माँ इस तरह की चीज़ें बना बना के रखती है, तो बेटी की बंदा शादी रख देता है फिर भी चीज़ें पूरी नहीं होती। तो चलिए देखते हैं कि बाजी ने क्या क्या बनाया हुआ, लेकिन मैंने तो कहा था आप इतने ना बाजी ना करें मेहनत, अब बाजार से हर चीज़ मिलती है, तो चलें देखते हैं फिर आ जाएँ। मैं पानी पी लूँ, मैंने बहुत सारी बातें की हैं, मैं थोड़ा सा गिलास एक पानी का पी लूँ। मैं तो कहता हूँ कि कैल्सी आप पी लें, विटामिन जो है ना बहाल हो जाए। मैं नींबू ख़त्म हुए हैं, मतलब एक गिलास नींबू पानी पी लेना, फिर भी थोड़ा वो आपने बताया नहीं कल, मैं कह रही थी कि आप ना कच्ची लस्सी वगैरह पीना, दवाइयाँ वगैरह खाए ना, फिर कच्ची लस्सी साथ पी ना तो इतनी तबीयत ख़राब नहीं होती। मैंने कच्ची लस्सी तो मैंने कभी भी नहीं पी, मुझे पसंद ही नहीं है, मुझे उसका ना जायका अच्छा नहीं लगता, मैं खट्टी लस्सी पीती हूँ जो पत्नी से पक्की लस्सी कहते हैं। हाँ पक्की लस्सी कहते हैं, चाचू भी बड़े शौक से पक्की लस्सी पीते हैं। चाचू चाची जी जी चाचू जी बड़े शौक से ना वो कहते थे कि नसरुल्ला लस्सी जो है ना वो लेके आओ, तो मुझे लस्सी से चाचू जी की याद आ गई।
तो चले जी चलते हैं और ध्यान उठ जाएगा जी। तो चले आगे। ये तकरीबन चार चार फुट इतने परती पैनी है। सही हां जी जिन्होंने फिर खरीद किया उन्होंने फिर यह उपर दीवार की साड़ी जो पहले दीवार सी साड़ी एडी एडी दीवार सी जी। हां जी हां जी चाचू जी ने बिल्कुल सारा चाचू जी ने खर्चा किया मकान सारे बनाए से चाचू जी ने उन्होंने यह डिजाइन पसंद किया जी बहुत इस जी यह देखो हूँ की हाल होया हो अच्छा जी यह घर आ गया बाजी का नहीं नहीं अच्छा जी बाजी के घर पहुंच गए असि बिलकुल पहले काम इस तरह ही हाथ दे नाल ज्यादा जेड़ा ना वो काम हुंदा सी ते ए तकरीबन किन्ने दिन मेरा बुन लेगी नाल अच्छा नहीं वो तो जो बंदा डेली काम करता या बुनता वह तो बुन लेंदा समैरा दी मैं पूछ दवा कि समैरा किन्ने अरसे च जेड़ा ना ये बुन लेगी है अच्छा सही है ठीक चलो छोड़ दो जे नहीं आंदा ते फिर छोड़ दो ते तुसी मेरे किन्ने लिया दे सी नाले नहीं हुण तो बाजार होंदे आ मेरे ख्याल तीन चार सी है ना लाए जेज जो हरड़ा वगैरा बनिया गई ना इतनी इस जगह बहुत खूबसूरत लगन गए फिर मेरा ख्याल इस्त्री करके टाइम ला के फिर रख लिया वा माइया इंज कर करके है ना बहुत प्यारे बनाए अभी बहुत बच्चिया ने मेहनत की चाहे डब्बा ला लो चाहे तौलिया ला लो करो फ्रेम मैं दिखाया
इन्नी तुसी मेहनत कर दिया कपड़ा थोड़ा ना मजबूत लो अच्छा भारी स्टाफ लो थोड़ा नहीं कोई नहीं फिर आ छेती है ना हो जाना ते बहुत प्यारा भी बनाया वा मैनू भी आंदा तुसी गा टंका मैं हुण भी कट सकदी हां पर हुण गर्दन ही नहीं काम करदी काट के दिखाओ तो काट लावांगी मैं कड़ा है पूरा करना ना हां हां लाला चाहे दूसरा शुरू कर ला ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆਪ ਆ ਬਾਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ ਹੂੰ ਤੇ ਬਾਜੀ ਦੋਰਾ ਦਾ ਕਪਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਹਿ ਰਹਾ ਨਹੀਂ ਦੋਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਹਿ ਰਹਾ ਪਾਪੀ ਅੱਛਾ ਉਸ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨੇ ਕੱਟੇ ਪੇਮ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਗਾ ਉਹ ਬਲ ਕੇ ਚੌਕ ਤੇ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸਫਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਦਾ ਹੋਰ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਹੁਣਾ ਮੈਂ ਐਂਕਰ ਦਾ ਲਾਇਆ ਇਹ ਐਂਕਰ ਦੇ ਧਾਗੇ ਆ ਬੰਦਾ ਵਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਸ਼ਮ ਦਾ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸਿੰਗਲ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿੰਗਲ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰਦੇ ਚੈੱਕ ਪੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਪੱਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਲਗਾਣਾ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸੂਈ ਦੇ ਨਾ ਅਗਲੇ ਕੰਟੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਐ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਖੇਚ ਮਾਰੇ ਤੇ ਇਹ ਕੱਟੇ ਆ ਬਸ ਇਹ ਖੇਚ ਮੱਤੀ ਆ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟਾਂਕੇ ਆਉਂਦੇ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਲਾ ਕੇ ਆਈ ਆ ਸੁਮੇਰਾ ਨੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਛੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਮੇਰਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਹੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਫੌਰਨ ਉਹਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਟਾਂਕਾ ਉਤਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵਾ ਫੋਲਾ ਟਾਂਕੇ ਦਾ ਸਟਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਬਾਜੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਕਲਰ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦੇ ਆ ਰੈੱਡ ਗ੍ਰੀਨ ਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰਾਸਟ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਵਾ ਦੇਖੋ ਔਰੇਂਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਜੀ ਦਾ ਸਿੰਗੀ ਟਾਂਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਠਮਾ ਬੈਠਮਾ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਹਲੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲੱਗਣੇ ਆ ਚਾਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲੱਗਣਗੇ ਇਹ ਬਾਜੀ ਕਿਹੜਾ ਟਾਂਕਾ ਇਹ ਬਲੋਚੀ ਟਾਂਕਾ ਬਾਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਟਾਂਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਹਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸੇ ਹੀ ਬਾਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇ ਫੇਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ ਨਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀ ਬਣਾਏ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਾਜੀ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਵੀ ਆਈ ਆ ਘਰੋਂ ਨੇ ਮਿਸਤਰੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਬਾਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੁਲਦਪੈਰੀ ਦੇ ਵੀ ਸੀਨ ਲੈ ਲਓ ਅੱਛਾ ਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਿੱਠੀ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ ਨਾ ਕਾਫੀ ਦੀਵਾਨ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਇਹਨੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਉਧਰ ਫੁੱਲਦਾ ਬਸ ਪੂਰੀ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕਰਦਾ ਵਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਲਗਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਲਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਸਹੀ ਆ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜੇ ਗਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਧੁੱਪ ਥੋੜੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਨਾ जी बाजी के घरों हम असं वापस जा रहे हैं और सामने घर साढ़ा वा तो असी ये देखने वाले भैन भरा तो इजाजत लाऊंगे इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नैक्सट वीडियो अपना बहुत सारा ख्याल रखना अल्लाह हाफिज़।